ये जी हमारा एक यूनिट है रैबिट्स का, एक मेल 10 फीमेल्स का। तो ये फ़िलहाल अभी कॉलोनी में रखे हुए हैं, थोड़ी सी मौसम सेट हो जाए तो इनको केज बाय केज करेंगे, वरना अगर इन्हें कॉलोनी में ही रखना हुआ तो ये 7 वाले केज में एक मेल और ला के एक मेल 5 फीमेल का एक यूनिट बना के छोड़ देंगे। और ये आप देख सकते हैं जो मैंने पेटियाँ रखी हुई हैं, ये इस तरीके से इनकी पेटियाँ होती हैं, और इसके ऊपर हम कोई कपड़ा वगैरह दे देंगे, सर्दियों में अंदर अंधेरा हो जाएगा, तो इसी के अंदर ये नेस्टिंग करके तो ये ब्रीडिंग करेंगे इंशाल्लाह। जो ब्रीडिंग होगी उससे भी हम आपको अपडेट करेंगे। रैबिट्स रखने का मेन मकसद ये था कि इनका जो सा मीट है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल मीट है, और जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए तो स्पेशली ये बहुत ज़बरदस्त है। वैसे भी ये जो ब्रायलर है, ब्रायलर से बेहतर है कि हम रैबिट का गोश्त जो सा है वो खाएं, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ब्रायलर तो आप कह सकते हैं ना कि 30-35 दिन में तैयार होने, उसके अंदर क्या अफादियत होगी, वो तो एक मजबूरी है कि मीट की कंजप्शन बहुत ज़्यादा है और मीट की प्रोडक्शन कम है देसी एज़ कम्पेयर टू। तो रैबिट फार्मिंग जौन सी है बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे सिर्फ ये इस वजह से रैबिट्स नहीं रखे जाते कि यार ये ज़मीन में जौन सा है टनल्स बना के रहते हैं, टनल्स जौन सा है वो बुनियादें ख़राब कर देती हैं, तो ये एक बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। इंशाल्लाह ताला जब ये ब्रीडिंग करेंगे तो मैं इनकी भी आपको एक वीडियो प्रॉपर तरीके से बना कर बताऊँगा कि भाई ये ऐसे भी ब्रीडिंग कर लेते हैं। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से ये ब्रीडिंग नहीं कर रहे, सर्दियों में ये प्रॉपर ब्रीड करते हैं क्योंकि गर्मियों में बच्चे भी मर जाते हैं। तो अब मैंने मेल इनके साथ छोड़ा है, तकरीबन कोई 1-2 दिन हुए हैं, तो मेरा मूड है कि एक और मेल ले कर वो भी छोड़ दूँ ताकि जौन सा है एक प्रॉपर तरीके से 2 यूनिट्स वर्क करें, जगह भी पूरी पूरी हो। तो ये आप देख लें कि 5x5 का एक केज है, उसके अंदर मैंने ये रखे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश रह रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त रह रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा 3 शेंटू भी हैं हमारे पास छोटे खरगोश, ये देखें माशाल्लाह ये भी अब बड़े बड़े हो गए हैं और बहुत फ्रेंडली हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत फ्रेंडली हैं, ये देखें से आप, ये बहुत ही अच्छा पेट है, आप इसको रख सकते हैं और एक अपने साथ आदि कर सकते हैं। ये एक छोटे शेंटू हैं हमारे, ये देखें, तो ये बहुत अच्छा पेट है, इसको आप जैसे मर्ज़ी अपने साथ मानूस कर लें अगर आप इसकी प्रॉपर केयर करें तो, ठीक है जी। तो वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।